दोस्तों, इस वीडियो में फिन निफ्टी का एक स्ट्रैटर्जी देखेंगे। हम स्ट्रैटर्जी कैसे काम करता है और हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, हम इसको डिटेल से देखेंगे। इस स्ट्रैटर्जी को आप मैन्युअली भी ट्रेड कर सकते हैं और आप ट्रेड टर्न पे कोडिंग भी कर सकते हैं। इस स्ट्रैटर्जी का एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा है और रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा काम करता है। इसमें हम पहले हम इसका एक्यूरेसी और इसका स्ट्रैटर्जी का डिटेल देखेंगे। पहले हम इसका एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे। एक्यूरेसी तो 70 to 80% है, 70% ये वो है एक्यूरेसी। सो आपका 10 में से 6 या 7 ट्रेड आपका विन में जाता है और कैपिटल रिक्वायरमेंट 10K है और फॉर सेफर साइड आप 50K लेके चलिए, क्योंकि ड्रॉडाउन भी होता है तो आपको ये स्ट्रैटर्जी में थोड़ा ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है। और टाइमिंग आफ्टर 1 PM और रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 मिनिमम हम 1:3 रखेंगे। बाद में देखकर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर हम रिवॉर्ड को इंक्रीज करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट हम 30% का हम स्टॉप लॉस रखेंगे ईच लेग और वेन टू अवॉइड हम देखेंगे कब इसको अवॉइड करना है। साइडवेज मार्केट में ये अच्छे से काम नहीं करेगा। इफ मार्केट इज ट्रेंडिंग देन इट वर्क्स वेरी वेल। एंड एग्जिट टाइमिंग हमारा दोनों स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है तो 2:15 को हम एग्जिट कर लेंगे, नहीं तो एक स्टॉप लॉस हिट हो गया और दूसरा लेग अभी एक्टिव है देन वी विल वेट टिल 3:15। मैक्सिमम रिस्क हम लेने वाला है 3,000 रुपीस, इससे ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेने वाले हैं। सो हम रिस्क टू रिवॉर्ड के बात करें तो बहुत अच्छा काम करता है और इसको हम पहले प्रैक्टिस करेंगे, बाद में पेपर ट्रेड करेंगे, बाद आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा, तब हम इसको एक्चुअल ट्रेड में इंप्लीमेंट करेंगे। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। आपका साइकोलॉजी अच्छा बैठेगा तो आपका रिस्क और रिवॉर्ड भी अच्छा बैठेगा और आप ट्रेडिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। हम इस सेटअप को पहले देखेंगे क्या होता है। अभी वी विल आइडेंटिफाई 1 o'clock का कैंडल। अभी ये 1 PM कैंडल है। हम क्या करेंगे, इस कैंडल के पहले हम देखेंगे कि मार्केट कैसा है। मार्केट को 100 पॉइंट्स एटलीस्ट मूवमेंट होना चाहिए। हमारा क्राइटेरिया अभी फुलफिल हो गया है, अभी हम 100 पॉइंट्स के ऊपर मूवमेंट हो गया है तो हम इसको स्ट्रेटजी को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी एक कॉल और एक पुट हम बाई कर सकते हैं 1 PM को और हम वेट करेंगे 30% स्टॉप लॉस का। हम क्या करेंगे कि दोनों लेग पे 30% का स्टॉप लॉस लगा देंगे, 30% ऑन ईच लेग। ओके, कोई भी लेग का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो हम क्या करेंगे, हम उस लेग से एग्जिट हो जाएंगे। 30% स्टॉप लॉस, फॉर एग्जांपल कॉल का साइड 30% का स्टॉप लॉस एग्जिट हो गया और पुट का साइड हम वेट करेंगे।
वेट करेंगे कि 30% स्टॉप लॉस का हम इधर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। बाद में ये हमारा फेवर में गए तो प्रॉफिट देने स्टार्ट किया तो हम TSL लगा देंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम पुट पे लगा देंगे। वैसे ही सेम कॉल पे भी करेंगे, कॉल पे पुट का स्टॉप लॉस हिट हो गया पहले, बाद में कॉल का स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, देन ये कब प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा तब हम TSL लगा देंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे। विल वेट टिल 3:15, 3 o'clock या 3:15 अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग्स यू कैन एग्जिट। और एक और बात है, आपको इसको कम लॉट में ही करना है। पहले पहले आप ऑब्जर्व कीजिएगा, पहले क्या करना है कि आपका मार्केट मोमेंट देखिएगा, ये अच्छा मोमेंटम में है और ये साइडवेज नहीं है, देन यू एंटर। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा, पहले आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा ना होना चाहिए, बाद में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, और आपका तीसरा आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया तो एग्जिट हो जाना। ये तो मैनुअल में बहुत थोड़ा तो मुश्किल है ये स्ट्रेटर्जी, क्योंकि साइकोलॉजी भी आ जाता है, आपको प्रैक्टिस करने से ये इजीली यू कैन डू इट, मगर आप ट्रेड टर्म पे आल्गो क्रिएट किए तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। आपको आल्गो चाहिए तो हम ट्रेड टर्म पे कोडिंग कर देंगे फ्री में, आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। आपको चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट।